नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में। बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति देखते हैं कि आखिर मैप में ये है कहाँ। ठीक है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी। तो इसमें ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपके बेरिंग सागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियाई सागर, नीचे आपका दक्षिणी अरब सागर या अटलांटिक सागर, ये आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, फिर आते हैं आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका एशिया महाद्वीप है, ऊपर ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ ठीक है हमें बात करनी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। किसके? ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका प्यारा ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में हम लोग बात करें, जूम दिखेगा और जूम कर लीजिए, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, यही आपका कोरल सागर है, ये आपका तिमोर सागर है, अरापुआ सागर, महान ऑस्ट्रेलिया खलीज, यही मेलबर्न, आपका ये है तस्मान सागर, नीचे ये आपका न्यूजीलैंड है, ऑकलैंड है। ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर्थ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, न्यू कैसल, सिडनी, न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, क्वींसलैंड है। तो इसी के बारे में हमें जानना है कि कहाँ कौन सी झील स्थित है। ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपकी झील है। तो बात करते हैं हम लोग, ये आपकी बुड़ झील है। बुड़ झील के बारे में आपको याद रखना है, बरकले पठार स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। फिर आर्गले झील, जो आर्गले झील है ये आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर अवस्थित है, ये भी आपकी मीठे पानी की झील है। ये आपकी मैके झील है, कौन सी? मैके झील है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल में एक शुष्क नमकीन झील है। ठीक है, फिर आपकी यही डाल रिम्पल झील है और ये यार मारबून झील है। ठीक है, फिर बात करें यह आमादस झील, कौन सी? आमादस झील। आमादस झील है जो, यह झील ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में मैकडोनेल सैडी व आयर रॉक की मध्य अवस्थित है। फिर है आपकी डिस एम्पॉयमेंट झील, यह झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ये भी आपकी नमकीनी झील है। करेंजी झील, करेंजी झील के बारे में याद रखिए, यह झील वेल्स झील के उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, आपकी ये वेल्स झील है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में करेंजी झील के दक्षिण अवस्थित है। ठीक, फिर यही आस्टन झील है, फिर यही वार्ली झील है, आपकी ये वार्ली झील, यह झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के पश्चिम व मूल झील के पूर्व में स्थित है, ये आपकी मूल झील है। यह झील भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रेंज के उत्तर अवस्थित है। ठीक, फिर आयर झील, कौन सी? आयर झील, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, जिसकी अधिकतम गहराई 16 मीटर है, यह फ्लैंडर्स पहाड़ियों के उत्तर स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का
सबसे निम्नतम बिंदु स्थित है यहाँ। फिर आपकी फॉर्म झील, कौन सी फॉर्म झील, इसके बारे में याद रखिए कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में टोरेंस झील के पूर्व स्थित झील, इस झील में के पूर्व में ग्रेट बैरियर श्रेणी भी है। ये आपकी टोरेंस झील है, कौन सी टोरेंस झील, या यहाँ की गैडर झील है, कौन सी गैडर झील, ये आपकी टारेंस झील है, कौन सी टारेंस झील, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। गालर श्रेणी तथा स्पेंसर की खाड़ी के उत्तर तथा आयर झील के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये भी नमकीनी झील है। तो ये नीचे बात करते हैं, ये आपकी ले ये आपकी है ले सॉरी ते अनाउ झील, ते अनाउ झील न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील के तट पर ते अनाउ शहर बसा हुआ है, ये आपका न्यूजीलैंड है, याद रखिए। यही आपका उकाकी झील है, ये आपकी बका टीपू झील है, ये ते कापो झील है आपकी, ये है आपकी ताउपो झील। ताउपो झील न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है, मध्यवर्ती भाग में। ये आपकी न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है ताउपो झील। तो ये थी आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सभी झीलें। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो भी आपको याद रखना है, उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। तो यह है आपकी आयर झील। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, जिसकी अधिकतम गहराई 16 मीटर है, यह फ्लैंडर्स पहाड़ियां के उत्तर स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। ठीक है, फिर आपकी ग्रेगरी झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में आयर झील के दक्षिण पूर्व स्थित उथली नमकीनी झील है। ठीक है, फिर आपकी टोरेंस झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में गागर श्रेणी तथा स्पेंसर की खाड़ी के उत्तर तथा आयर झील के दक्षिण स्थित एक उथली नमकीनी झील है। ठीक है, ये आपकी ताउपो झील न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। फिर आपकी मैकी झील है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल में स्थित एक शुष्क नमकीनी झील है। फिर आपकी बुड झील बर्कले पठार स्थित मीठे पानी की झील है। डिस आप पिवाइंट झील, डिस अपॉइंटमेंट मेट झील, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल की पश्चिमी भाग में स्थित एक नमकीनी झील है। फिर आपकी बाली झील, यह झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के पश्चिम व मूर झील के पूर्व अवस्थित है। फिर आपकी अमादास झील, यह झील आपकी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में मैकडो नेल श्रेणी व आयर रॉक के मध्य अवस्थित है। फिर आपकी मूर झील, यह झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रेंज के उत्तर अवस्थित है। ठीक है, फिर आपकी फ्राम झील, कौन सी फ्राम झील, यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में टोरेंस झील के पूर्व अवस्थित है। इस झील के पूर्व में ग्रेट बैरियर सैंडी अवस्थित है। फिर आपकी करेंजी झील, यह झील वेल्स झील के उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। फिर आपकी वेल्स झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में करेंजी झील के दक्षिण में अवस्थित है, वेल्स झील। फिर आपकी आर्गिले झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर अवस्थित एक मीठे पानी की झील है। फिर आपकी ते अनाउ झील न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील के तट पर ते अनाउ
शहर बसा हुआ है आपका। तो ये थी आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में, ठीक है? विश्व के प्रमुख मरुस्थल,